हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेक फार्मर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे LIC के बारे में। तो अभी रिसेंटली हमारा बजट 2020 डिक्लेयर हुआ है, तो इस बजट के दौरान अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मल सीतारामन मैडम ने जो LIC के बारे में घोषणा की है कि LIC में जो भी सरकार की जो भी हिस्सेदारी है वो सरकार अभी बेचने जा रही है। तो क्या इससे हमको कुछ घाटा होने वाला है? जो अपने मिडिल क्लास लोग हैं, जो सर्वसामान्य लोग हैं, जिन्होंने अपने भविष्य में जो भी पूंजी लगने वाली है वो सेव करने के लिए अपने LIC में जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो क्या डूब जाएगा? नहीं भाइयों, चिंता करने की कोई ही ज़रूरत नहीं है। LIC अभी इंडिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जिसने अभी SBI को भी पीछे छोड़ दिया है। तो LIC डूबने वालों में से नहीं है और आपके पैसे भी कहाँ भी जाने वाले नहीं है। LIC ने जो सरकार के जो हिस्सेदारी रहती है, जो भी उनके शेयर्स रहेंगे, वो सिर्फ उन्होंने अभी निवेश में जारी करने के लिए घोषणा की है। मतलब वो अभी IPO लेके आएंगे, जिसके थ्रू वो अपने शेयर मार्केट में LIC के फंड्स भेज देंगे। अभी एक करने की गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अगर कहाँ भी हम इन्वेस्ट करते हो और वहाँ से उतना रिटर्न नहीं आता है, तो हम उसको निकाल के किसी और जगह पे लगाते हैं। सेम वही चीज़ है, गवर्नमेंट ने जो LIC में फंड्स लगाए थे वहाँ से उनको उतना रिटर्न्स नहीं आ रहा है, इसके वजह से अभी गवर्नमेंट अपने हिस्से के जो फंड्स है वो निकाल रही है और वो बेचने जा रही है IPO के थ्रू। वो शेयर मार्केट में ट्रेंडिंग होगा और वहाँ से वो बेचने जाएंगे। अभी सिर्फ घोषणा हुई है, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जब स्टार्ट होगा तब भी हम ये वीडियो लेके आएंगे। तो मुझे अब सिर्फ इतना ही बताना है आप लोगों से कि इंडियन गवर्नमेंट की सोच एकदम साफ है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आपके LIC में पैसे है, LIC में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप चिंता मुक्त रही है, आपके पैसे को कोई धोखा नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।